न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। अब इसे पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहे या फिर कुछ और, वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने वाली ट्रैफिक पुलिस यातायात सुरक्षा को लेकर कितनी मुस्तैदी से कार्य कर रही है, इसकी वानगी आज देर शाम रेवाड़ी में हुई इस दुर्घटना से देखने को मिल सकती है कि सवारियों से खचाखच भरी एक पिकअप अचानक टायर फट जाने से पलटकर गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में जहां महिला की मौत हो गई, वहीं करीब 30 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में पहुंचाया गया, जहां घायलों में एक गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। खबरों के मुताबिक मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर चलाने वाले 30 से अधिक लोग आज देर शाम पिकअप में सवार होकर राजस्थान से झज्जर की ओर जा रहे थे। पिकअप जैसे ही रेवाड़ी जिले से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 71 स्थित बीकानेर गांव के समीप पहुंची तो अचानक टायर फट जाने के कारण पिकअप पलटकर गड्ढे में जा गिरी और पिकअप में सवार सभी लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया तो वहीं एक व्यक्ति की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बाकी लोग ट्रामा सेंटर भर्ती कराए गए। घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी पुलिस बल के साथ ट्रामा सेंटर पहुंच गई। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी सहित चिकित्सकों की टीम भी घायलों के इलाज में जुट गई। जब इसे लेकर एएसपी से पिकअप में क्षमता से अधिक सवारियां होने का सवाल किया गया तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वैसे तो ट्रैफिक पुलिस समय समय पर वाहनों की चेकिंग और चालान काटने का काम करती है, फिर भी ये लेबर क्लास है, इस बारे में वे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मगर कुछ भी हो, इस घटना से यह तो जरूर पता चलता है कि ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों और यातायात सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। पिकअप पर अटकी जमा आ रहे थे, पिकअप पे आप आ रहे हैं, तो क्या हुआ फिर? टायर फट गए, टायर पलट गया। और कितनी सवारियों को चोट आई? लगभग 15-16 सवारियों को चोट आई। आपको अस्पताल किसने पहुँचाया? एम्बुलेंस ने। टायर पलट गया, दोस्त के बाद गाड़ी पलट गई। कितनी सवारी थी पिकअप में? 35 एक सवारी थी। कितनों को चोटें आई? सबको लगी, सबको चोटें लगी। कहाँ से क्या हुआ है इनके साथ? गाड़ी आ रही है, टायर फट गया, भी चोट लगी है वाले को। सबको चोटें आई जितने सवारी थी। जो बीकानेर के पास मोड़ पे थी, फुलफुलाट के पास, वहाँ पिकअप पलट गई, उसका जो टायर फटा या पलटी है, उसमें जितनी सवारियाँ थी सारी इंजर्ड हैं। उनको यहाँ ले आए हैं एम्बुलेंस से, हम सिवसार ट्रॉमा सेंटर में। अभी जो देखने में पता लगा, टोटल 27 काउंट किए हैं, उनमें से एक ब्रोडेड थे और एक इंजर्ड है, तो उसको रेफर किया गया था, उसकी हेड इंजरी थी। बाकी अभी चल रहा है, हमारे सर्जन, हमारे ऑर्थोपेडिशियन, हमारे एनेस्थेटिक सब डॉक्टर लगे हुए हैं और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, सब कुछ कंट्रोल में है, अभी ठीक है। सर, जो डेड है उनकी कितनी उम्र है और क्या नाम है? जो ब्रो डेड है उसका नाम है रीना, जो ब्रो डेड है उसका नाम है पूजा। तो ये सारे सूचक वास हैं, जज्जर के हैं, कोई रहने वाले कहीं बाहर के हैं, आउट ऑफ हरियाणा के रहे हैं, जैसे कहीं बाहर से काम करते हैं, आके सूचक पास में काम करते थे, तो उनका है जो रेफर किया है, वो रीना है, उसका हेड उसको रेफर कर दिया है। तो सर ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अब इसका नहीं पता लगा अभी कहाँ से कहाँ जा रहे थे। अभी तो सबकी ट्रीटमेंट ही चल रही है, सबको जिसको जहाँ जहाँ इलाज, उसको वहीं कहाँ से आए हैं और क्या इलाज है उसको फटाफट काम कर रहे हैं। उम्र कितनी है मृतक की? मृतक की उम्र का भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मृतक के जो आया ब्रोडेड आया तो उसको साइड में जो इंजर्ड है उनकी सारी। तो सर दो लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं? अभी तो सुरक्षित चल रहा है, अभी वहाँ के सर्जन आए, हमारे ऑर्थोपेडिशन आए हैं, वो देख रहे हैं, यदि किसी को रेफर करना पड़े या कुछ और किसी की हालत बिगड़ती है तो आगे रेफर कर दिया जाएगा, यदि अंडर कंट्रोल होंगे तो ट्रीटमेंट कर दी जाएगी। ये झज्जर के चूचक वास के हैं, यूपी के रहने वाले हैं वैसे तो सारे लगभग, और ये सुबह जाते हैं जैसे, और बथुआ वगैरह तोड़ के राजस्थान से इधर वापस अपने गांव जाते हैं ताकि आगे दिन में बेच सकें। अभी इनका जो पिकअप जिसमें जाते हैं उसका पिछला टायर फटने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है,
और ये एक्सीडेंट हुआ है हमारा बीकानेर कट के पास। इसमें एक पिकअप में करीब 34-35 लोग थे, जिनमें से 20 के करीब की काफ़ी चोट लगी है। एक तो की हालत थोड़ी बहुत बुरी है, बाकी आपको बाकी डिटेल्स में चाहिए। मैम बड़ा सवाल ये है कि एक पिकअप में 34 लोग, ये भी कहीं ना कहीं सवाल है। लेबर क्लास है, हम इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी हम चलान वगैरह तो पुलिस रोज करती रहती है, बट फिर भी एक आधे से इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। अभी जो एक डेथ हुई है वो कितनी एज है उसकी और क्या नहीं, अभी डेथ की हमारे पास पूरी पुष्टि नहीं है। जो बाकी अगर जो भी होगा हम आपको बता दें। डॉक्टर ने बताया एक महिला की डेथ हो गई है, कन्फर्म कर लेंगे आपको बता देंगे। एक जो हेड इंजरी है उनको रोहतक रेफर किया गया है, आपको सारी डिटेल्स जिसके जैसे भी होंगे वो मिल जाएंगी। मतलब बाकी सभी लोग लगभग हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं अभी 24 के करीब काफ़ी चोट लगी है लोगों को।